जो शख्स देश के लिए असली काम कर रहा है, देश की सच्ची बातें कर रहा है, जिगर वाली बातें कर रहा है, मजबूत बातें कर रहा है, उसको ये मीडिया वाले दिखाते ही नहीं है कुछ है? तो भाई साहब ये मीडिया के ऊपर गुस्सा नहीं आएगा क्या? किसकी बात कर रहा हूं? अरे बता रहा हूं मैं, पद्मश्री सुश्री देश की वीरांगना समझ गए होंगे, कंगना रानावत दीदी की बात कर रहा हूं मैं। कितना महान काम किया उन्होंने, कितना बड़ा संदेश दिया उन्होंने, कितने बड़े विचार रखे उन्होंने कि बताइए, वो जो आजादी मिली थी पहले, वो भीख में आजादी मिली थी, कितनी बड़ी बात कही उन्होंने। और असली आजादी 2014 में मिली थी। देखिए इतने महान विचार उन्होंने रखे और नालायक किसी चैनल ने सारा दिन सब चल रहे थे, किसी ने भी नहीं दिखाया। इतना जलते हैं ये मीडिया वाले ऐसे लोगों से जो लोग कुछ बड़ा काम कर रहे हैं, तो भाई साहब गुस्सा नहीं आएगा? बताइए इतने महान विचार व्यक्त किए कंगना रानावत जी, पद्मश्री कंगना रानावत जी ने, एक डिबेट नहीं करवाई इन लोगों ने? शाम को किसी भी चैनल में चार मुर्गे बैठाल करके नहीं लड़वाए आपस में? ये है मीडिया? एक बाइट तक लेने नहीं पहुंचा, कोई इंटरव्यू लेने नहीं पहुंचा कि बताइए इतना महान विचार आपने दिया है कि देश 2014 में मतलब आजाद। अरे एक बाइट लेने ही पहुंच जाते, डेट पूछ लेते कि कंगना जी कौन सी डेट को मतलब 2014 में आजाद हुआ था, तो उसी हिसाब से मतलब अगला 15 अगस्त, मतलब 15 अगस्त नहीं वो डेट बताएंगे, उसके हिसाब से स्वाधीनता दिवस इंडिपेंडेंस डे वो मनाया जा सके। अब कंफ्यूज है भाई साहब हम लोग। और ये मीडिया को देखो नालायक, वो उत्तर प्रदेश में कोई राजभर है, जानते हैं आप लोग राजभर को? आप जानते हो? नहीं जानते? मैं भी नहीं जानता हूं, कोई नहीं जानता ये राजभर कौन है। लेकिन राजभर ने कहीं पर वो कह दिया कि वो जिन्ना अगर वो देश के पहले प्रधानमंत्री बन जाते तो ये बंटवारा नहीं होता। भाई साहब हर चैनल ने, छोटे मोटे चिंटू टिंकू पिंटू है ना, हर चैनल ने दिन में 10-10, 20-20 बार ये बाइट दिखाई और शाम को इसी टॉपिक पे है तोते और मुर्गे लड़वाए आपस में, डिबेट करवाई। मतलब ये जो राजभर हो गया है, ये हमारी कंगना सुश्री नहीं पद्मश्री से बड़ा हो गया ये, उसको सारा दिन दिखा रहे हो कि जिन्ना और ये फलाना ढिमाका, और हमारी कंगना पद्मश्री को एक बार भी नहीं दिखाया। क्यों जलते क्यों? उन्होंने इतना महान कार्य किया देश के लिए, इतनी बड़ी पगलांगना नहीं वीरांगना है, इतने बड़े विचार व्यक्त किए, मतलब कुछ नहीं दिखाया। इतनी बड़ी सेलिब्रिटी हस्ती है देश की, आजादी दिलवाई उन्होंने 2014 में, नहीं दिलाया। अच्छा कुछ नालायक लोग हैं इस देश में जो नालायक लोग ये कह रहे हैं कि कंगना रानावत ने जो कुछ भी कहा बहुत गलत कहा, भाई नाराज हो गए हैं कुछ नालायक लोग बैठे हुए हैं कि ये क्या तरीका है, कंगना रानावत ऐसे कैसे बोल सकती है, ये तो गलत बात है, है? हमारे इनका स्वाधीनता संग्राम सेनानियों का और इतने लोगों ने आजादी दिलाई थी, ये सबका अपमान किया है, ये बिल्कुल गलत बात है। नालायको तुम लोगों को गलत बात लगेगी है? सोचो अगर कंगना रानावत ने गलत बात की होती तो जिनके सामने कर रही थी ना, वो नौसिखिया कुमार क्या नाम है, नविका कुमार जो है ना ऐसे साड़ी पहन के बैठी हुई थी, वो इतनी बड़ी राष्ट्रभक्त देशभक्त है, इतनी बड़ी राष्ट्रवादी है, अगर उनके सामने कोई गलत बात की होती तो चुपचाप सुन लेती हो, ऐसे ताली बजा रही होती, मुंह नोच लेती, इतनी बड़ी राष्ट्रवादी है वो। वो कोई मामूली नहीं है, उनके चैनल का अभी उद्घाटन हुआ था, हमारे अमित शाह जी ने उनका उद्घाटन किया था, वो चुपचाप बैठ के सुन रही थी, ताली बजा रही थी, तो ऐसे गलत बोल दिया। वहां पे जो जनता बैठी थी वो भी सारी राष्ट्रवादी जनता थी, अगर कंगना रानावत ने कुछ गलत बोला होता तो क्या वो जनता इसे ताली बजाती जोर जोर से? नालायकों कुछ भी मतलब मुंह से बोल दिया। इस देश में आज गली गली राष्ट्रवाद और राष्ट्रभक्त देशभक्त लोग घूम रहे हैं, है?
अगर कंगना रनावत ने अगर कुछ गलत बोला होता तो अब तक उसके घर पे जाके धरना प्रदर्शन, उसका पुतला फूंकना, ये वो बवाल, ये बवाल न काट देते। नालायक लोग कह रहे हैं कि कंगना रनावत ने मतलब गलत बोला है? अगर गलत बोला होता तो हमारे महान राष्ट्रभक्त, राष्ट्रवादी विचारधारा के बड़े प्रवक्ता आदरणीय श्री समित पात्रा जी, गौरव भाटिया जी, रिंकिया के पापा जी, वो मनोज तिवारी जी, ये सब लोग तकिया के नीचे प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके सोते हैं ये लोग। अगर कुछ गलत बोला होता तो यहीं से निकाल करके तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस ठोक देते, बवाल काट देते, गदर काट देते अगर कंगना रनावत ने कुछ गलत बोला होता। लेकिन नालायकों को सिर्फ कंगना रनावत की गलती दिखती है। इतना महान कार्य किया, महान विचार व्यक्त किए उन्होंने, आज पूरे देश में कहीं कोई नहीं बोल रहा है, ना कोई न्यूज चैनल बोल रहा है, ना इतने बड़े बड़े इतने मिनिस्टर्स हैं, मंत्री हैं, इतने राष्ट्रवादी लोग हैं, किसी ने बोला कि कंगना रनावत ने गलत बोला। बस ये नालायक लोग ही, इन्होंने मतलब गलत मान लिया तो गलत हो गया। लेकिन भाई साहब, ये मीडिया जो है ये जलती है, मीडिया ने दिखाया नहीं। एक भी बार मतलब चैनल वगैरह दिखाते तो मैसेज दूर तक जाता कि कंगना रनावत के विचार कितने महान है। कोई न्यूज चैनल दिखाने को तैयार नहीं है, नालायक जलते हैं सब। खैर चलो, न्यूज चैनल ने नहीं दिखाया तो कम से कम कंगना दीदी सुश्री, नहीं वो पद्मश्री, पद्मश्री सुश्री कंगना रनावत जी, आपने फोन करके मोदी जी को ही बता दिया होता कि आज़ादी जो है 2014 में मिली है असली वाली, पहले वाली ऐसी थी है? नहीं, मोदी जी को बताना इसलिए जरूरी था क्योंकि मोदी जी करोड़ों अरबों रुपए आजादी के 75 वर्ष मनाने में, वो स्वर्ण जयंती वर्ष पोतन क्या क्या मना रहे हैं, उसमें इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, इतना ध्यान दे रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि आजादी अभी 2014 में मिली है। तो कंगना दीदी कम से कम एक फोन करके उनको तो बता देती, क्या मैं फोन कर देता? अरे भाई साहब क्या मजाक कर रहे हैं, मैं कहां से फोन करता, ना तो मेरे पास उनका नंबर है, और मान लो नंबर भी होता तो क्या मेरा फोन उठा लेते वो है? नहीं, कंगना जी के पास तो नंबर भी होगा, और कंगना जी का फोन उठा भी लेंगे वो, क्योंकि कंगना जी ने फ्री में फाइट की, फ्रीडम फाइटर रही हैं है? मोदी जी के साथ वो क्या कहते हैं कि आजादी की लड़ाई लड़ी है उन्होंने, तो दोनों लोग राष्ट्रवादी विचारधारा के हैं, एक दूसरे के महान चिंतक विचारक, तो वो लोग आपस में फोन एक दूसरे से बात कर लेते। सारी कमी है मीडिया की। अगर मीडिया दिन में चैनल वैनल में दिखा देता कि नहीं कंगना रनावत जी ने कहा है कि असली आजादी हमको 2014 से मिली, बताइए भाई साहब 14 से ये कई खत्म होने वाला है, आज तक देश में किसी को पता ही नहीं चला कि आजादी असली वाली 14 में मिली है। अब कुछ लोगों ने सिर्फ पता नहीं कंगना रनावत के कान में बोल दिया कि असली वाली आजादी 2014 में मिली थी, को कान में कोई बोल के चला गया। अब जाकर के कंगना रनावत पूरे देश को बता रही है, हाँ अब इसका प्रचार प्रसार चीजें ये होगा। कंगना रनावत ने बोला तो भाई साहब सही बोला होगा, बस खाली ये मालूम पड़ जाए कि कौन सी डेट में 2014 में 21 मई, हाँ हमको लग रहा है 21 मई 2014 अगली बार जो स्वतंत्रता दिवस मनाएंगी कंगना जी, शायद वही दिन होगा है? तो कंगना जी अभी तो टाइम है 6 महीने, लेकिन आपको एडवांस में 21 मई 2014 स्वतंत्रता दिवस मुबारक हो। ये मीडिया मीडिया वाले नालायक साथ में हो ना हो, हम जैसे तमाम पागलेट लोग साथ में हैं आपके, हाँ, और हम जैसे पागलेटे लोग, पागलेटों की संख्या मतलब कम नहीं है, पूरे फोर्स के साथ आपके पीछे हैं। कंगना तुम आगे बढ़ो, बढ़ती जाओ, बकती रहो मतलब